हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रॉक ऑफ इटर्निटी, जहां खड़ा ब्लैक एडम कह रहा है, आखिरकार इतने सालों के बाद मैजिक लैंड के डोर खुल चुके हैं। हालांकि मॉन्स्टर लैंड अभी भी बंद है। मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा कि उस विजार्ड ने बिली बैटसन को क्यों चुना। वो अनजाने में ना केवल अर्थ बल्कि पूरे मैजिक को खतरे में डाल रहा है। मैजिक लैंड पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उनके बीच आपस में कोई लड़ाई हुई तो ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ब्लैक एडम एक चिपकली को उठाकर कहता है, इधरा तुम मेरे काम आओगी, ये जान लो कि तुमने ब्लैक एडम के लिए सेक्रीफाइस किया है। अब ब्लैक एडम उस चिपकली को मारकर उसका खून नक्शे पे फेंक देता है। ब्लैक एडम कहता है, ब्लड ऑफ मैजिक, बताओ मुझे बिली बैटसन कहाँ पे गया है। अब वो खून फनलैंड्स की तरफ इशारा करता है। ब्लैक एडम कहता है, ऑफ कोर्स, गुम हो चुके और नालायक बच्चों का रियलम, जहाँ डार्क सीक्रेट्स भी मौजूद हैं, मेरा वहाँ पे स्वागत नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मुझे बिली बैटसन को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इधर फनलैंड्स के अंदर किंग किड ने बिली और मैरी को कैद कर रखा है और कह रहा है, जब तक कि सूरज इस फनलैंड्स पे चमकता रहेगा, तब तक मैं हर उस बच्चे को यहाँ पे वेलकम करूँगा जिसे प्यार नहीं मिला, जिसे कोई नहीं चाहता और जो सुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं उनके सफरिंग को खुशी में बदल देता हूँ। बदले में उनको बस एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको फनलैंड्स को चालू रखे रहने के लिए काम करना पड़ता है अपनी आखिरी सांस तक। बिली, तुम्हारी पावर फनलैंड्स को बहुत कुछ दे सकती है। मेरे झूले और तेज स्पीड से चला करेंगे, यहाँ के लाइट्स और तेजी से चमकेंगी और शुगर फैक्ट्रीज और भी मीठी हो जाएंगी। किंगकिड के जोकर बोने बिली बैटसन को उस वर्कशॉप में फेंक देते हैं, जिससे कि वो मैरी के पास आकर गिरते हैं। बिली पूछता है, मैरी क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं मजे करने के नशे में इतना चूर हो चुका था कि ये तक भूल गया कि मेरे सिर पे तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बिली मैरी का मुंह खोलने की कोशिश करता है, जिसपे किंगकिड बिली पे अटैक करके उसे मैरी से दूर कर देता है और कहता है, झूठे, तुम कुछ नहीं करोगे, बहरूपिये तुम केवल यहाँ पे एक ही काम करोगे, अपने धोखे की कीमत चुकाओगे। जब तक कि तुम काउंसिल ऑफ विजार्ड्स की पावर को मुझे नहीं सौंप देते, तुम मुझे लिविंग लाइटनिंग का वरदान दो और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को बिना हानि पहुँचाए अर्थलैंड्स पे भेज दूंगा। पिंकी प्रॉमिस, बिली पूछते हैं, और इन सब बच्चों का क्या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा कि मैं कुछ याद भी नहीं रख पाता था, तब मैं गुम हो गया और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। मैं एक फॉस्टर होम से दूसरे फॉस्टर होम में घूमता रहा और बहुत सारे बुरे लोगों से मिला, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, मेरे फॉस्टर पेरेंट्स। वो मुझे प्यार करते हैं और मेरे भाई बहनों को इस तरह से प्यार करते हैं जैसे कि हम उनके खुद के बच्चे हों। मैं जानता हूँ कि लोगों पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, तुम डरते हो कि कोई तुम्हें चोट ना पहुँचा दे। किंकिट कहता है, मैं किसी से नहीं डरता। बिली कहता है, तुम सच्चाई का सामना करने से डरते हो, क्योंकि जिन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की तुमने कसम खा रखी थी, उन्हीं बच्चों से इस तरह से काम करवाकर तुम अपने खुद के पेरेंट्स जैसे बन चुके हो। अब किंकिट गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। बिली पूछता है, आगे तुम यही कहने वाले हो ना कि मैं तुम्हें अपने भूखे जोकरों को खिला दूंगा, तुम्हारा चिकन बनवा दूंगा। अब बिली अपनी बेड़िया तोड़कर किंकिट पे अटैक करते हुए कहता है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अब बिली मैरी का मुंह खोलता है और कहता है, तुम तो जानती हो कि तुम्हें आगे क्या कहना है। मैरी कहती है, ये बच्चा पिटाई मांग रहा है, शज़ाम। अब मैरी एक हीरो में कन्वर्ट होकर कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उधर गेमलैंड्स के अंदर इंस्ट्रक्टर यूजिन और पेड्रो को बता रहा है कि ये पूरा बस एक गेम ही है और इसके रूल्स हैं कि हर किसी के पास एक स्कोर होता है और तुम्हारा स्कोर तुम्हें कुछ पर्क्स देता है, जैसे कि तुमको कहाँ रहना है, कहाँ खाना है और कहाँ खेलना है। जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है उसे गेम मास्टर का नाम दिया जाता है और उसके पास इस गेम लैंड में सभी कुछ एक्सेस करने का अधिकार मिलता है, सब कुछ। अभी फिलहाल जो गेम मास्टर है उसके पास इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक गेम मास्टर बने रहने का रिकॉर्ड है। कोई नहीं जानता कि वो लेडी असल में कौन है और आज तक किसी ने उसे नहीं हराया। तुम लोगों जैसे चैलेंजर्स उसे चैलेंज करने आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें उससे लड़ने के लिए एक आईडी कार्ड और गेम टैग की जरूरत पड़ेगी। यूजिन कहता है, मेरा गेम टैग है किलर बट और मेरे दोस्त का है थंडरस्ट्रक। इंस्ट्रक्टर कहता है, वैसे तो आईडी कार्ड मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर तुम 10,000 पॉइंट्स मुझे ट्रांसफर कर दोगे तो तुम दोनों को इसी टाइम आईडी कार्ड मिल जाएंगे। यूजिन कहता है, ठीक है डन। पेड्रो कहता है, रुको ये क्या कर रहे हो। यूजिन पूछते हैं, किस बात के लिए रुको पेड्रो। उसने कहा कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है,
कि तुम्हारे पास 1 मिलियन पॉइंट्स होने चाहिए और उसे हासिल करने का एक ही तरीका है कि गेम मास्टर को हराया जाए। पेड्रो कहता है, मुझे ये इतना आसान नहीं लग रहा, उसे आज तक नहीं हराया गया। यूजिन कहता है, ओ पेड्रो, मैं जानता हूँ कि तुम थोड़े से स्लो हो सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि उस किंग किड ने बाकी सब लैंड्स को छोड़कर हमें गेम लैंड्स में ही क्यों भेजा, और ये सबसे बेस्ट है। मैं तब से गेम खेल रहा हूँ जब से मेरे हाथ में एक कंट्रोलर आ सकता था। मेरी लाइफ में लोग आते जाते गए, लेकिन ये गेम्स हमेशा मेरे साथ रहे। हो सकता है कि असल जिंदगी में मैं एक लूजर रहा होऊंगा, लेकिन एक गेम के अंदर मैं हमेशा जीतता था। लेकिन तब विक्टर और रोजा मेरी जिंदगी में आए, जो सच्चे दिल से मुझे अपनाना चाहते थे। रोजा ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा गेम्स खेलता हूँ और मुझे गेम्स खेलना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो गलत थी। मेरी पूरी लाइफ मुझे यहाँ ले आई है। इट्स ऑसम पेड्रो, इस रेस को जीतने के बाद हम दोनों घर जा सकते हैं, क्योंकि मैं यूजिन चो हूँ, द रियल गेम मास्टर। इंस्ट्रक्टर, तुम्हें 10,000 पॉइंट चाहिए तो ले लो। इंस्ट्रक्टर पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये चीज करना चाहते हो? तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट्स नेगेटिव में चले जाएंगे। जिस पे यूजिन उसकी बात को खत्म होने से पहले ही कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं स्कोरबोर्ड फिर से बढ़ा दूंगा। अब यूजिन इंस्ट्रक्टर से हाथ मिलाता है और उसे अपने 10,000 पॉइंट्स ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इस वजह से यूजिन बहुत कमजोर बन जाता है, जिस पे कि आसपास के गेमर्स कहते हैं, देखो तो इसका स्कोर कितना घटिया है, लूजर, तुम तो ट्रैश बिन में जाओ। अब यूजिन इंस्ट्रक्टर से कहता है, अब मुझे वो आईडी कार्ड दे दो। इंस्ट्रक्टर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इतना नेगेटिव स्कोर होने वाला इंसान इस लेवल पे नहीं रुक सकता, इसलिए तुम गेम मास्टर के साथ रेस नहीं लगा सकते, लेकिन तुम्हारा दोस्त लगा सकता है। पेड्रो कहता है, यूजिन ये तुमने क्या कर दिया? वहीं वायलेंस के अंदर फ्रेडी और डार्ला को पकड़कर कंगारू कोर्ट में पेश किया जाता है। कंगारू कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चे हैं, क्योंकि ये जानवरों का मीट खाते हैं। ये लोग अर्थ पे हॉट डॉग और हैमबर्गर खाते हैं। हमें विश्वास था कि ग्रेट रिवोल्ट के दौरान सारे ह्यूमंस मर गए थे, लेकिन उनके जिंदा होने की अफवाह सुनकर हम कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं निकल पाए, और जो बाहर निकले उनमें से कई सारे जिंदा वापस लौटकर नहीं आ पाए, और अब हमें पता चल चुका है क्यों। ये लड़का और लड़की को हमारे शहर के जस्ट बाहर पकड़ा गया था और ये हम पे अटैक करने का प्लान बना रहे थे। फ्रेडी कहता है, हे मेरा नाम फ्रेडी है और इसका डार्ला। डार्ला एक वेजिटेरियन है और मैं तो अंकल चिप्स खाता हूँ, हम निर्दोष हैं। कंगारू कहता है, कोई भी इंसान निर्दोष नहीं होता। अब जिराफ जज कहता है, मैंने बहुत सुन लिया, क्या तुम लोग अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो? तब उनका लॉयर शीपडॉग कहता है कि मैंने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रखी है, लेकिन आखिर हम किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिर इंसानों पे कौन यकीन कर सकता है? जिराफ कहता है, तब तो मैं लॉयर क्रंकेट के द्वारा दी गई पावर से इन दोनों खतरनाक बच्चों को बस एक ही सजा दे सकता हूँ, इनको टाइगर्स को खिला दिया जाए। उधर गेम लैंड्स में पेड्रो बता रहा है कि मैं जिम क्लास में हमेशा लास्ट आता था, और मुझे ये भी याद नहीं है कि लास्ट मैंने कभी गेम जीता था और ना ही एक रेस। मैं गेम मास्टर को नहीं हरा सकता। यूजिन कहता है, अरे तुम जीत जाओगे, देखो तुम्हारे आईडी कार्ड की बदौलत तुम्हें एक व्हीकल मिल चुका है, तो अपने बालों वाले पिछवाड़े की चिंता करना बंद करो और एक टेस्ट राइड लेकर देखो, मैं तुम्हें बीच बीच में बताता रहूँगा, तुम ही जीतने वाले हो और हमें घर पहुँचाने वाले हो। उधर वाइल्डलैंड्स के सिटी जू में अब केवल टाइगर्स को ही कैद करके रखा जाता है। कुछ एनिमल पुलिस ऑफिसर्स एक टाइगर टाउनी के सेल में आकर उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। टाउनी कहता है, प्लीज़ ये सूट मत फाड़ो, मैंने कल ही इसे नया सिलवाया था। ऑफिसर्स कहते हैं, तुमने नेचर के लॉज तोड़े हैं, इसलिए ये तुम्हारा आखिरी सूट है जो तुम पहनोगे। टाउनी कहता है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऑफिसर कहता है, टाइगर्स ने द ग्रेट रिवोल्ट के दौरान हमें धोखा दिया था, इसलिए टाइगर्स पे यकीन नहीं किया जा सकता, और तुम हमारे साथ बहस मत करो। तभी वहाँ आता है एलिफेंट मेयर क्रंकेट और कहता है कि मैं इस टाइगर से बात करना चाहता हूँ। टाउनी कहता है, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैं बस सिविलाइज बनकर रहना चाहता हूँ। क्रंकेट कहता है, टाइगर्स कभी भी सिविलाइज बनकर नहीं रह सकते, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ। मेरे चेहरे पे जो ये पंजों के निशान बनाए गए हैं, ये टाइगर्स के द्वारा ही बनाए गए हैं। जब ग्रेट रिवोल्ट हुआ था तब मैं एक जवान सोल्जर था और तुम उस टाइम तक पैदा भी नहीं हुए थे। मैं उस बटालियन का मेंबर था जिसने इंसानों को इस शहर से बाहर निकालकर काले जंगलों में भेज दिया, लेकिन जैसे ही हमारा कमांडर आखिरी इंसान को मारने आया तब एक टाइगर ने धोखा देकर उस पर अटैक कर दिया। एक न एक दिन टाइगर्स धोखा देते हैं। टाउनी कहता है कि सब टाइगर्स ऐसे नहीं होते। अब क्रंकेट टाउनी पर अटैक करता है और कहता है, वो खूंखार होते हैं, इंसानों से भी खूंखार। अब तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत भूखे हो, हमने काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हें खाना नहीं दिया है, और जैसे कि तुम्हारे पास ये बैनुच की किताब मिली है तो तुम पढ़ भी सकते हो,
तुम बाकी टाइगर्स के साथ मिलकर उन इंसान बच्चों को मारोगे, वरना तुम्हारे सिर को काट कर मेरे ऑफिस में उन लायंस के सिर के साथ लगा दिया जाएगा। इधर गेमलैंड्स के अंदर गेम के सिक्योरिटी ऑफिसर यूजिन को डस्टबिन में डालने के लिए आते हैं। वहीं मैरी और बिली किंगकिड और उसके जोकरों से लड़ रहे हैं। इधर ब्लैक एडम फनलैंड्स तक पहुंचने ही वाला है कि कोई उस पर अटैक करके उसे पीछे गिरा देता है, जिसे देखकर ब्लैक एडम कहता है तुम, और गाइस ये आदमी होता है डॉक्टर शिवाना, जो कि ब्लैक एडम से कहता है तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम मिस्टर मैन की सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो या फिर तुम मारे जा सकते हो। ब्लैक एडम कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारा सिर काट दूं। और गाइस शज़ाम का हर इशू एक महीने में रिलीज होता है, और इसके अगले इशू के लिए आपको 20 दिन का वेट करना पड़ेगा।